चलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? आयास से बच्चे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले अपने बोया माइक भाई M1 का भाई यहाँ पर अनबॉक्सिंग एंड भाई रिव्यू भी करेंगे इसका, और भाई इसकी आवाज़ भी देखेंगे इस हमारे भाई कैसे यहाँ पर रिकॉर्ड करके आ रही है। सबसे पहले तो गाइस भाई हम अनबॉक्सिंग के बारे में बात करते हैं, उसके बाद भाई रिव्यू के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाइस आपको भाई यहाँ पर बॉक्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर बोया माइक का देख सकते हो भाई, मैंने अमेजोन से मंगाया है, आप भाई सामने बॉक्स देख सकते हो। तो गाइस फटाफट से गाइस अपने बॉक्स को हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस का प्राइस भी मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला, वो गाइस आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले गाइस हम भाई देख सकते हो, हमको यहाँ पर कुछ बैग टाइप का देखने को मिल जाता है इस बॉक्स के अंदर। यहाँ पर गाइस हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे गाइस हम भाई इग्नोर ही करेंगे क्योंकि भाई कोई नहीं पड़ेगा भाई इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो गाइस चीज़ों को भाई हम साइड करते हैं और भाई फटाफट से गाइस अपने भाई हम बैग के अंदर चेक कर लेते हैं गाइस हमको क्या क्या देखने को मिल जाता है। सबसे पहले गाइस हमको माइक देखने को मिल जाता है, देख सकते हो यहाँ पर बोया लिखा हुआ है, बोया नहीं भाई बोया भाई, ठीक है। उसके बाद भाई आप देख सकते हो हमको यहाँ पर पैकेट के अंदर क्या क्या देखने को मिल जाता है। फटाफट से गाइस इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर गाइस आपको भाई सेल वगैरह देखने को मिल जाते हैं भाई, और चीज़ें देखने को मिल जाती है आप देख सकते हो यहाँ पर सामने। उसके अंदर यहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है, जैसे कहीं हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर हमको यहाँ पर कुछ फॉर्म टाइप का देखने को मिल जाता है, जो गाइस आप इसमें मतलब वॉइस ओवर करके बोल सकते हो, तो यहाँ पर आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आएगी। उसके बाद अगर हम अंदर चेक करते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ भी देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस सेटअप के बाद गाइस आप भाई देख सकते हो हमारे भाई जो भाई माइक है भाई, हमने सबको सेटअप कर लिया है। आपको भाई मैं एक बार दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो जो गाइस हमारा माइक है भाई, मैंने सबको इसमें फिट कर दिया है। जो गाइस हमको भाई पार्ट्स मिले थे गाइस मैंने भाई सारे लगा दिए हैं। अभी गाइस मैं भाई अपने फ़ोन के रिकॉर्डर से गाइस अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी गाइस आपको मैं रिकॉर्ड भी करके दिखाऊंगा गाइस हमारे भाई आवाज़ भाई कैसी आ रही है भाई इस वाले माइक के अंदर। सो सबसे पहले आप भाई देख सकते हो हमको यहाँ पर फिट वगैरह करने के बाद भाई इसका प्रोसेस यहाँ पर आप देख सकते हो हमको भाई, यहाँ पर मैंने भाई स्मार्टफोन में गाइस अपने भाई इनेबल कर लिया है बटन को, यहाँ पर गाइस हम कैमरे में भाई नहीं करेंगे रिकॉर्ड, इसलिए गाइस हमने भाई स्मार्टफोन पर कर लिया है, ठीक है भाई। बाकी भाई आप देख सकते हो हमको यहाँ पर जो एक्सेसरीज मिली थी यहाँ पर हमने सबको यहाँ पर सेटअप कर दिया है। अगर हम भाई बात देख सकते हो हमको यहाँ पर जो गाइस हमारे भाई पिन भाई फ़ोन में लेगी गाइस आप वगैरह देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो हमको सेकंड चीज़ मिली थी यहाँ पर आप इसे भी देख सकते हो, मेरा जो भाई कैमरा पर काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो रहा था, यहाँ पर बिल्कुल भाई फोकस नहीं रहता, पता नहीं भाई कितने ज़्यादा बेकार भाई कैमरा हो चुका है। बाकी भाई आप सामने देख सकते हो हमको यहाँ पर जो बैग मिला था वो भी गाइस आप देख सकते हो, आपको भी भाई ऐसा ही बैग में देखने को मिल जाएगा। और भाई इसका जो प्राइस है भाई आपको भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चीप देखने को मिल जाता है, मतलब भाई इस बजट रेंज में आपको भाई इससे बड़ा बैग तो भाई नहीं मिल सकता, जो गाइस आप भाई सामने देख सकते हो भाई बॉक्स के अंदर भाई, ठीक है बोया भाई M1। तो फटाफट से गाइस इसके भाई हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, बट भाई पहले भाई इसका देख लेते हैं मतलब यूज़ करके देखते हैं गाइस हमारा भाई ये कैसा वर्क कर देता है। तो सबसे पहले गाइस आप भाई अब सबसे पहले गाइस मैं भाई अपने मतलब जो भाई माइक हो उसके भाई अपने फ़ोन से भाई जोड़ लेता हूँ, उसके बाद भाई हम रिकॉर्ड करते हैं। देख सकते हो मैं भाई लावा Z3 के अंदर भाई अपने यहाँ पर माइक को भाई टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि भाई मेरे पास यही वाला फ़ोन है अभी भाई, ठीक है। तो गाइस इसमें गाइस मैंने अपने माइक को इस्तेमाल करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस मैं भाई इसमें यहाँ पर गाइस इसको लगाता हूँ यहाँ पर माइक को, उसके बाद भाई हम आवाज़ रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर से गाइस पहले हम लगा देते हैं गाइस अपने माइक को, यहाँ पर देख लेते हैं गाइस हमारा भाई माइक यहाँ पर अनेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ है फ़ोन के अंदर। सो यहाँ पर गाइस हम भाई ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पर हमारे लावा Z3 के ऊपर तो देख सकते हो हमारा भाई यहाँ पर ऑन हो चुका है, देख सकते हो हमारा गाइस हेडफोन बना चुका है, इसका मतलब गाइस हमारा भाई माइक यहाँ पर अनेबल हो चुका है। तो गाइस अब जो भाई आपको मैं आवाज़ सुनूंगा गाइस भाई माइक की आवाज़ होगी, ठीक है भाई। तो गाइस अब जो भाई मेरी वॉइस आ रही है गाइस हमारा भाई रिकॉर्डर किया, तो गाइस आप भाई फ़र्क भाई सामने देख सकते हो, मैं भाई अपने भाई माइक से भाई रिकॉर्ड करके आपको गेम प्ले में दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप भाई डिफरेंस भाई सामने देख सकते हो, हमको यहाँ पर बिल्कुल भाई बैकग्राउंड नॉइस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा, जैसे आप देख सकते हो मेरा भाई गेम प्ले पर ऑन है, यहाँ पर हम कूद रहे हैं गाइस अपने भाई नूसा के गेम प्ले में। तो गाइस यहाँ पर भाई कोई गेम प्ले नहीं करने वाला, गाइस मैंने भाई आवाज़ को यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए गाइस जैसे भाई गेम प्ले को लगा दिया है, इसमें गाइस मैं जल्दी मर जाऊँगा, यहाँ पर दिक्कत देने वाली बात नहीं है। भाई गाइस आपको भाई टेस्ट कराने के लिए कि गाइस हमारा भाई माइक कैसा वर्क कर रहा है, इसके लिए गाइस मैंने भाई आपको यहाँ पर मतलब भाई बोलने के लिए इस गेम प्ले को लगा दिया है। वैसे गाइस गेम प्ले पे काफ़ी ज़्यादा बेकार होने वाले, हम यहाँ पर कूदते मर जाएंगे। तो यहाँ पर गाइस आपको भाई डिफरेंस यहाँ पर भाई साफ साफ पता चल गया होगा कैसे हमारे भाई नॉर्मल यहाँ पर रिकॉर्डर में कैसे आवाज़ आ रही है, भाई माइक के बाद भाई हमारी कैसे आवाज़ आ रही है। तो गाइस अगर मैं भाई रिव्यू की बात करूँ भाई माइक की, तो कैसे हमारा भाई जो माइक है भाई अगर भाई प्राइस के हिसाब से देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा भाई देखने को अच्छा मिलता है। अभी कैसे आपको मैं इसका प्राइस भी बताऊँगा, बट भाई अगर मैं रिव्यू की बात करूँ तो कैसे मुझे भाई माइक यहाँ पर भाई काफ़ी ज़्यादा ठीक देखने को मिल जाता है, जो कैसी क्वालिटी है यहाँ पर हमको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। यहाँ पर कैसे आप भाई दोनों में डिफरेंस देख सकते हो, कैसे हमारी आवाज़ में यहाँ पर कितना ज़्यादा भाई हमारा डिफरेंस हो गया है। तो कैसे माइक तो गाइस हमारा भाई काफ़ी अच्छे से भाई वर्क कर रहा है, गाइस अपना काम यहाँ पर अच्छे से कर रहा है, और भाई प्राइस के हिसाब से मैं देखता हूँ तो यहाँ पर भाई माइक भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। बाकी भाई आप भाई इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, अगर आपको भाई माइक चाहिए तो गाइस आप आराम से भाई इजीली परचेज कर सकते हो। तो चलो भाई बिना किसी टाइम में इसके लिए अपने भाई हम प्राइस की तरफ चल लेते हैं।
तो कैसे आप देख सकते हो कैसे हम अपने अमेज़ोन के अंदर भाई आ चुके हैं, क्योंकि भाई मैंने अमेज़ोन से मंगाया, भाई फ्लिपकार्ट से भी यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। तो कैसे फटाफट से कैसे हम भाई प्राइस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैसे अपने भाई बोया माइक यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैसे मैंने भाई माइक परचेस कराया उसे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमको भाई इस पर टैप करना है। तो यहाँ पर कैसे आप भाई प्राइस यहाँ पर भाई साफ साफ देख सकते हो हमको यहाँ पर कितना देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको भाई 745 या भाई 750 यहाँ पर मान के चलो आपको देने पड़ जाएंगे यहाँ पर इस माइक को भाई परचेस करने के लिए। तो यहाँ पर 750 के अंदर कैसे माइक भाई आराम से इजीली देखने को मिल जाएगा हमारे अमेज़ोन के ऊपर। तो कैसे आपको भाई मैंने सारी भाई चीज़ें बता दिया, कैसे अपने भाई माइक से रिलेटेड कैसे आपको भाई मैंने इसके लिए बता दिया, भाई अनबॉक्सिंग दिखा दी और भाई आपको मैंने इसका प्राइस भी बता दिया है। बाकी भाई आपका भाई डिसीजन है, कैसे आप भाई देख सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ पर कैसे अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूँ तो कैसे मुझे तो भाई ये माइक भाई काफ़ी यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इसका वॉइस है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको भाई स्मूथ देखने को मिलता है। भाई जो आपकी बैकग्राउंड नॉइस है आपको भाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। काफ़ी ज़्यादा कैसे आपको भाई अच्छा माइक देखने को मिल जाता है। कैसे अगर मैं प्राइस के हिसाब से देखता हूँ तो यहाँ पर कैसे इससे अच्छा माइक मुझे यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर कैसे जितने भी कैसे आपके भाई माइक आते हैं उसमें कैसे आपको कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। बट भाई इस वाले माइक के अंदर आपको भाई काफ़ी अच्छी भाई यहाँ पर वॉइस देखने को मिल जाती है। आपको बिल्कुल भी यहाँ पर डिले वगैरह कोई देखने को नहीं मिलता और जो कोई बैकग्राउंड नॉइस है कैसे आपको काफ़ी ज़्यादा भाई यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आएगी, मतलब अगर आप भाई वॉइस रिकॉर्ड करोगे तो। बाकी भाई यही था कैसे आज की वीडियो में, तो कैसे आज भाई मैं आपको कोई भी यहाँ पर फ़ोन के भाई चीज़ें नहीं बताई। यहाँ पर कैसे मैंने भाई माइक को परचेस किया है उसे कैसे आपको भाई मैंने बताया है। बाकी अगर आपको भाई वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आपको भाई वीडियो चाहिए तो। बाकी भाई हम मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।